नमस्कार, जय माता दी। आपके सामने श्री दुर्गा सप्तशती का आज त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय प्रस्तुत है। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी भगवान विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे, इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार अपराधित आराधित होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुरथ ने प्रश्य व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज्य के